एवरी वन, आज हम बनाने वाले हैं फ्रोज़न कॉर्न। तो मैंने स्वीट कॉर्न बनाने के लिए यहाँ फ्रोज़न कॉर्न लिए हैं, उसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है मोमोज बनाने वाला जो स्टीमर आता है, इडली मेकर मोमोज जैसे बनते हैं वो। तो इसको स्टीम करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, उसके बाद इसको हम स्टीम करके चेक करेंगे कितने ज़्यादा बॉयल हुए हैं। तो बस ये पक के तैयार है। इसमें हम चाट मसाला ऐड कर देंगे, हाफ लेमन जूस ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं क्योंकि चाट मसाले में भी होता है, और इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। और हमारे बढ़िया मार्केट जैसे स्वीट कॉर्न बनके तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई।